नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 मार्च। आज का सवाल हमारी 25 बड़ी खबरों में से होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नियोजित शिक्षकों को लेकर चिराग पासवान ने किया ऐलान। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान इन दिनों अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों का मुद्दा उठाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इस साल होने वाले चुनाव में वह नियोजित शिक्षकों की मांगों पर अपने चुनावी मैनिफेस्टो का अहम हिस्सा बनाएंगे। ज्ञात हो चिराग पासवान ने उक्त बातें अपनी यात्रा के तहत शेखपुरा में की है, जहां वह अपनी यात्रा के तहत लोगों का संबोधन करने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, शेखपुरा पहुंचे चिराग पासवान ने लोगों से इस चुनाव में एनडीए का समर्थन करने की भी अपील की है। NCL सिंगरौली में निकाली रिक्तियां। NCL सिंगरौली ने माइनिंग सिरदर और सर्वेयर पद के लिए 95 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास होने के साथ साथ अभ्यर्थियों के पास सर्वेयर और माइनिंग सिरदर में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 मार्च तक NCL के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इंटरमीडिएट की कॉपी जांच अब गेस्ट फैकल्टी के हाथों में। सभी नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने के बाद इंटरमीडिएट छात्रों के कॉपी जांच लगभग नामुमकिन लग रही थी। ऐसे में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने गेस्ट फैकल्टी का आवंटन करने का आदेश जारी किया था, ताकि बिहार बोर्ड समय पर इंटरमीडिएट की कॉपी जांच कर सके, साथ ही साथ समय पर रिजल्ट की घोषणा भी कर सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने टीचरों की कमी को देखते हुए सभी जिलों के डीईओ को लेटर दिया है, जिसके बाद से गेस्ट फैकल्टी को बुलाने का आदेश जारी किया गया था। सरकार ने बागवानी कर रहे किसानों के लिए शुरू की एक नई मुहिम। बिहार के गया संग्रहालय में जिला बागवानी विकास समिति की ओर से मगध प्रमंडल के 5 जिलों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार ने बागवानी के माध्यम से किसानों को आमदनी दोगुनी करने के कई तरीके बताए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों को आधुनिक तरीके से जैविक सब्जी, फल व फूलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। लर्निंग लाइसेंस के पहले परीक्षा में 40% परीक्षार्थी हुए फेल। राजधानी पटना में लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए बदले गए नियमों के अनुसार अब सभी वाहन धारकों को लर्निंग लाइसेंस एक ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत बीते रविवार से की गई है, जहां पर परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों में से लगभग 40% परीक्षार्थी परीक्षा में फेल पाए गए। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लर्निंग लाइसेंस के लिए आए अभ्यर्थियों को इसी क्वेश्चन मॉडल से सभी 10 सवाल रैंडमली पूछे गए थे, जिसका जवाब अधिकतर परीक्षार्थियों के पास नहीं था। इतना ही नहीं, पास हुए सभी अभ्यर्थियों को उसी वक्त लर्निंग लाइसेंस हाथों हाथ मुहैया करवाया गया। स्वास्थ्य समिति बिहार ने 660 पदों पर निकाली रिक्तियां। चुनावी साल में राज्य सरकार ने रोजगार को बंपर अवसर दिए हैं, जिसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में कुल मिलाकर 660 पदों पर नियुक्तियों की मांग की है। आपको बता दें, इन 660 पदों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काउंसलर, हेल्थ कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाईजर, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनोखे अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई। इस चुनावी साल में सबकी नजर पार्टियों की चहल पहल पर बनी रहेगी। इसी क्रम में बीते रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन भी सबकी निगाहें विपक्षी दलों द्वारा की जा रही बधाइयों पर थी, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपने पोस्ट में अभिभावक का दर्जा भी दिया है। जारी किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हुए स्वस्थ और दीर्घायु रहे। बिहार सरकार ने माना कि नियोजित शिक्षकों के फैसले का असर इंटरमीडिएट की कॉपी जांच पर देखने को मिल रहा है। इन दिनों सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं सरकार के बार बार समझाने के बावजूद कोई भी नियोजित शिक्षक अपने काम पर वापस लौटने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार अब तक इस बात से मना कर रही थी कि नियोजित शिक्षकों के सड़कों पर उतरने से इंटरमीडिएट के छात्रों की कॉपी जांच पर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, मगर अब हाल ही में रविवार को ही बैठक में बिहार सरकार ने इस बात को माना है कि इसे 40% शिक्षक की कॉपी जांच में ही हिस्सा ले रहे हैं, बाकी सभी शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिससे कि इंटरमीडिएट के छात्रों की कॉपी आकलन में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। बीते रविवार को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का जन्मदिन था, जिसके शुभ अवसर पर सभी दल एवं विपक्षी दलों के राजनेताओं ने उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई दी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी थी, जिसके तहत पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को जमीन से जुड़ा एक जननेता बताते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना भी की।
जातीय जनगणना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग हुई इनकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार के बजट सत्र के दौरान कई सारे अहम ऐलान किए थे, जिसके तहत उन्होंने बिहार में एनपीआर को साल 2010 के फॉर्मेट पर लागू करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही बिहार में जातीय जनगणना करवाने की भी मांग की थी, जिसके जवाब में जनगणना निदेशालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साल 2021 में होने वाली जनगणना को जाति आधारित कर पाना संभव नहीं होगा। जनगणना महापंजीय आयुक्त विवेक जोशी ने जातीय जनगणना की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि 2021 में इसे कर पाना संभव नहीं होगा। सभी ट्रक चालकों ने 6 मार्च तक बंद के आह्वान का फैसला लिया वापस। जेपी सेतु पर बंद हुए ट्रकों के परिचालन के बाद सभी ट्रक चालकों ने बंद का आह्वान किया था। हालांकि पटना डीएम से बात होने के बाद सभी ट्रक चालकों ने 6 मार्च तक होने वाले बंद के फैसले को वापस ले लिया। खबरों की माने तो बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन और पटना जिला प्रशासन के बीच हुई बातचीत के बाद एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन रेलवे द्वारा बार बार उठाए जा रहे सवालों के बाद परिवहन विभाग ने जेपी सेतु पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से सभी ट्रक चालकों ने इसका विरोध किया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। गुजरात के बिहारी महोत्सव में फगुआ के रंग में रंगे सभी गुजराती। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित बिहार महोत्सव 2020 में कला संस्कृति एवं युवा विभाग महोत्सव के दूसरे दिन गुजराती बिहारी फगुआ होली के रंग में सरोवर हो गए। वहीं विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने टैगोर हॉल परिसर में लगी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र व आर्ट गैलरी के साथ साथ बिहारी व्यंजनों के 26 स्टॉलों पर भ्रमण किया और बिहार के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा का आनंद भी लिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के बाहर के युवाओं के लिए कही बड़ी बात। जहां एक तरफ बिहार के अधिकतर युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से आए दिन जवाब मांगते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने युवाओं के बाहर जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है 2 जून की रोटी के लिए नहीं मगर ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रदेश और देश से बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है और न ही इसमें कोई बुराई है। चुनाव से पहले भाजपा की अप्रवासी बिहारियों के जरिए कैंपेनिंग की तैयारी। इस चुनावी साल में भाजपा अप्रवासी बिहारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है, जिसके तहत पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी अप्रवासी प्रकोष्ठ की ओर से पहला अप्रवासी बिहारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सैकड़ों व्यवसायी ने भाग लिया था। पार्टी को यह उम्मीद है कि विदेशों में सफल हुए लोग बातों को अपने गांव घर में रखेंगे तो इसका ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खराब मौसम का असर ट्रेनों पर 31 मार्च तक देखने को मिलेगा। कहने को भले ही ठंड से अब लोगों को निजात मिल गई है मगर ठंड का असर अभी भी रेलवे पर देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन को 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने घने कोहरे व खराब मौसम के कारण हुए गोरखपुर सिवान छपरा रूट से होकर चलने वाली 21 ट्रेनों को 31 मार्च तक कैंसिल कर दिया है। वहीं दैनिक ट्रेनों की बात करें तो दैनिक ट्रेनों में छपरा नौतनवा इंटरसिटी एक्सप्रेस, नौतनवा छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, अम्बाला बरौनी अम्बाला एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस का नाम शामिल है। नियोजित शिक्षक पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर पे। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर के बाहर जाकर अपनी मांग को रखा है, जहां पर इन सभी शिक्षकों ने जमकर उनके आवास के सामने अपनी आवाज उठाई है और साथ ही उन्हें पर्चा भी सौंपा है। वहीं आपको बता दें सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक बीते 17 तारीख से अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को अपनी बात मनवाने की जिद पर लड़े हैं। सभी दरोगा अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया पोस्टर। जहां एक तरफ बीते रविवार को गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहीं दूसरी तरफ बिहार के दरोगा अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाते भी देखा गया। बिहार दरोगा अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को मंच पर पोस्टर दिखाकर विरोध किया है। बिहार दरोगा कैंडिडेट्स के इस कदम के तुरंत बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने फौरन अभ्यर्थियों के पास जाकर उनके हाथ से पोस्टर ले लिया। इतना ही नहीं, पोस्टर दिखाने वाले सभी अभ्यर्थियों पर प्रशासन ने सख्ती से पेश आने का ऐलान भी किया है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जदयू नेता आरसीपी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। इसके तहत उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिखावा करने के लिए बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर हैं। उनको शायद नहीं पता है कि हमारे नेता 15 से अधिक यात्रा कर चुके हैं मगर विपक्षी दल बस दिखावा करने की जुगत में जुटा हुआ है। अब आइए जानते बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे बउआ देवी की। मिथिला पेंटिंग्स की कलाकार 75 वर्षीय बउआ देवी का जन्म बिहार में ही हुआ है। इतना ही नहीं, बउआ देवी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया है। मिथिला पेंटिंग के गढ़ माने जाने वाले जितवारपुर गांव की निवासी बउआ देवी की पेंटिंग को अप्रैल 2015 में अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेयर स्टीफन शोस्तक को भी उपहार में दी थी। मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 12वीं सदी के युग के अपने इतिहास के साथ यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना एवं इस जिले के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है एवं मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग के साथ परिसर में सूर्य, महावीर, भैरव और गणेश भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित है। यह मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में काफी प्रसिद्ध है।
अब चले बढ़ते मौसम की खबरों की ओर। ठंड से अब धीरे धीरे सही मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर, छपरा में दिनभर धूप निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,610 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,600 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.33 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 78.85 रुपए प्रति लीटर था। गूगल ट्रांसलेट में 4 साल बाद कई भाषाओं को किया गया शामिल। गूगल अपनी सर्विसेज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आए दिन अपने फीचर्स में बदलाव करता रहता है। चाहे वो जीमेल हो या फिर गूगल प्लस डॉक्स हो या फिर ट्रांसलेट, यूजर्स को बेहतर से बेहतर सर्विसेज देने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने अब तक कई सारे बदलाव किए हैं। अब ऐसा ही कुछ कंपनी ने गूगल ट्रांसलेट सेक्शन में भी किया है, जिसके तहत कंपनी ने 5 अतिरिक्त भाषाओं को जोड़ा है। इस ट्रांसलेट सर्विसेज के 4 साल बाद किसी भाषा को जोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब गूगल ट्रांसलेट में कुल मिलाकर 108 भाषाएं हो गई हैं। जडेजा ने हवा में उड़कर पकड़ा अब तक का सबसे शानदार कैच। दरअसल न्यूजीलैंड की पारी का 72वां ओवर प्रगति पर था। ऐसे में भारतीय टीम को आखिरी में 2 विकेट की तलाश थी। इसी ओवर के आखिरी गेंद में नील वैगनर ने ऊपर से खेलने की कोशिश की, मगर बाउंड्री लाइन से कई मीटर आगे खड़े जडेजा ने गेंद की टाइमिंग के हिसाब से हवा में छलांग लगाई और एक हाथ से जबरदस्त कैच पकड़ा। लोजपा नेता प्रिंस राज ने चुनाव के तहत दिया बड़ा बयान। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने में ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में लोजपा भी जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके तहत हाल ही में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर निकले हैं। वहीं लोजपा नेता प्रिंस राज ने भी आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार की वापसी होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें सौरभ कुमार, विकास कुमार, गीत भोजपुरी बिहार, आशीष कुमार, आयुष कुमार, सैयद हुसैन, दरोगा कुमार, कुंदन कुमार, जितेंद्र कुमार, विकी कुमार, सत्यम यादव, पिंकी देवी, अमरेश चौधरी, मोहम्मद जफर आलम, रामशंकर प्रसाद यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार परिवहन विभाग का लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एग्जाम लेना कितना सही है कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।